हम लोग के लिए कोई नेता का वोट नहीं जाओगे, आप टूट जाएंगे तो हम लोग छोटे बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। बोला कि ये रजिस्ट्री हो गई है, आप किसी का घर नहीं टूटेगा। फिर उसके बाद एक पेपर और जारी किया इन लोगों ने, 900 1200 रुपए लिए इन लोगों ने। फिर बोला कि अब इससे भी नहीं टूटेगा आपका घर। उस वक्त मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे जब हमने उन लोगों को निकाला, और आज वही आंसू दुख के आंसू में बदल गए हैं। मेरे हस्बैंड ने बहुत बड़ा काम किया है। क्या एक मुस्लिम है वो इसलिए उनके साथ में ऐसा हो रहा है? अगर वो कोई हिंदू होते तब उनके साथ ऐसा हो जाता? नहीं होता। जो प्रशासन सीधा बगीचे के अंदर मलिक के बगीचे में आता है, और आते ही 3-4 बिल्डोजर आने के साथ उसको धराशायी करने के लिए आ जाते हैं। सारे हिंदू, तकरीबन हिंदू भाई ज्यादा हैं जिनको दुकान दे रखी है। कितने सारे यहाँ से लेके यहाँ तक सारे हिंदू हैं। पूरा लड़का दिखोरा, उसने बेचारे ने एक्सरे की मशीन, अल्ट्रासाउंड की मशीन लगा रखी यहाँ बेचारे की, सारी नाश कर दी, निकालने की अनुमति भी न दी। तो अभी हम लोग खड़े हुए हैं अभी शहीद खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर। यहाँ पर कुछ दुकानें थी जो बुलडोज कर दी जाती है। जब कहते हैं कि आप गैर कानूनी हैं, आपने अपनी इच्छा से तो आप गैर कानूनी नहीं है। आप इसलिए गैर कानूनी है क्योंकि कानून ने आपके लिए कोई जगह ही नहीं बनाई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस न्यायिक फैसले की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुलडोजर न्याय यानी बुलडोजर जस्टिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो अपराधियों से जुड़े लोगों की संपत्ति के ध्वस्तीकरण पर पैन इंडिया दिशा निर्देश जारी करेगा। इस मामले की शुरुआत 20 अप्रैल 2022 को हुई जब दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा के बाद जमैते उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस हिंसा के ठीक 3 दिन बाद राज्य बीजेपी अध्यक्ष ने उत्तर दिल्ली नगर निगम को एक पत्र लिखा, कथित दंगाइयों की संपत्ति को ध्वस्त करने की मांग की। अगले ही दिन एमसीडी ने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान शुरू कर दिया। इस ध्वस्तीकरण में कई दुकानें और घर आ गए। इनमें से एक था गणेश गुप्ता का जूस की दुकान जो जहांगीरपुरी के कुशल सिनेमा के पास स्थित है। इस जूस की दुकान से पहले बात करते हैं राजस्थान की, जहां कुछ समय पहले आपको याद हो उदयपुर में दो स्कूली बच्चों के बीच झगड़े ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। 16 अगस्त को 15 साल के एक बच्चे ने अपने सहपाठी पर चाकू से हमला किया। इस घटना ने राज्य में तनाव का माहौल बना दिया। बुलडोजर जस्टिस ने सांप्रदायिक रंग दे दिया। इसी तरह 12 जून 2022 की सुबह प्रयागराज की सामाजिक कार्यकर्ता आफरीन फातिमा ने देखा कि उनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। प्रशासन का कहना था कि घर अवैध था, लेकिन आफरीन ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। उनके पिता जावेद मोहम्मद एक जाने माने सिविल एक्टिविस्ट हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद ये घटना हुई। फातिमा ने ये कहा कि उनके घर को एक एग्जाम्पल के तौर पर गिराया गया ताकि अन्य लोगों को जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे वो डर जाए। इसी प्रकार देश में बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ अवैध निर्माण को हटाने के लिए नहीं बल्कि विरोध की आवाज को दबाने के लिए भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे मामलों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। जुलाई 31 को विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान जब सांप्रदायिक झड़पें हुई तो हिसार के रविंदर फोगाट और उनके दो दोस्त जो नूह से गुजर रहे थे उनकी जिंदगी अनीश नाम के एक स्थानीय निवासी से जुड़ गई। अनीश ने इन तीनों को शरण दी, खाना खिलाया, सांत्वना दी और फिर उन्हें सुरक्षित जगह भी पहुंचाया। लेकिन सिर्फ 6 दिन बाद बुलडोजर ने अनीश के घर को गिरा दिया। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, आ गए अचानक तोड़ने लग गए, कोई किसी से माने नहीं। अपने डीसी साहब या किसी कलेक्टर साहब से बात की करने की कोशिश? डीसी साहब से बात नहीं की, जितने यहाँ अधिकारी थे सबसे बात की थी हमने, भाई कोई सुना ही नहीं करता। कुछ भी आपको जवाब नहीं मिला? नहीं, कोई जवाब नहीं मिला। दुकान नहीं, मेरा मकान है, मकान फैमिली रहती है। फैमिली वगैरह मैंने दूसरा मकान में शिफ्ट करी है। रविंदर फोगाट जो अनीश की मेहमान नवाजी से बहुत आभारी भी थे, उन्होंने पुलिस को फोन कर ये बताने की कोशिश की कि वे इस जगह पर शरण ले रहे थे, ना कि वहां से पत्थरबाजी कर रहे थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनीश का घर गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। उनके घर के ढाई ओर एक सड़क है जो भक्तों को नलहड़ के शिव मंदिर तक ले जाती है। वो वहां से 2 किलोमीटर दूर है। खेड़ला गांव में एक सेरेमिक टाइल्स के शोरूम के पास स्थित अनीश के घर को स्थानीय प्रशासन ने उन संपत्तियों के रूप में निशाना बनाया जिनका कथित तौर पर दंगाइयों द्वारा धार्मिक जुलूस पर हमला करने के लिए उपयोग किया गया था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इसी घटनाक्रम में 4 अगस्त को कहा कि नूह हिंसा से जुड़े किसी भी मामले में कार्रवाई की जाएगी और इसमें ध्वस्तीकरण शामिल होगा। उन्होंने कहा, इलाज में बुलडोजर भी एक कार्रवाई है। गुप्ता जूस कॉर्नर की कहानी क्या है?
इस मामले में 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करने वाला है। इस सुनवाई में तो अहम फैसला आएगा ही, लेकिन उन लोगों के लिए भी नई उम्मीद जागी है जिन्होंने इस बुलडोजर कार्रवाई में अपने घर गंवाए हैं। इस लिस्ट में गुप्ता जूस कॉर्नर वाला भी आता है जिसकी दुकान जहांगीरपुरी में गिराई गई थी। ये घटना 2022 की है जब जहांगीरपुरी हिंसा के बाद एनडीएमसी ने बुलडोजर कार्रवाई की। कहा गया था कि अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन हो रहा है, लेकिन गणेश गुप्ता का कहना रहा कि उनके पास तो दुकान के सारे कागज मौजूद थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस एक्शन पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी एनडीएमसी रुकी नहीं। तर्क दिया गया था कि जब तक आदेश की कॉपी नहीं आ जाती है बुलडोजर नहीं रुकेगा। आरोप साबित होने पर भी घर पर नहीं बुलडोजर चला सकते। गुप्ता के मुताबिक उस कार्रवाई के बाद 6 महीने तक वे अपनी दुकान नहीं खोल पाए, कहीं कहीं पैसे इकट्ठा किए और अपनी दुकान को फिर बनवाया। उन्होंने ये भी बताया कि उस समय उनकी बेटी की भी शादी होने वाली थी, ऐसे में पैसे की सख्त जरूरत थी। उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल से ही पैसे उधार लिए थे, अब वे पूरी जिंदगी उस कर्ज को चुकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें बीफ ले जाने के शक में एक शख्स के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। उस शख्स ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। बड़ी बात यह है कि 1990 में उस घर का निर्माण किया गया जिसे नूर मोहम्मद ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था। बाद में उस घर को उसने अपने 5 बच्चों में बांट दिया। उसी घर में एक दुकान भी शुरू कर दी गई, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई में ना वो दुकान बची और ना ही वो घर। अब पीड़ित सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, जोर देकर बोलते हैं कि वे सारे टैक्स भरते हैं, बिजली का बिल देते हैं, ऐसे में उनके खिलाफ ऐसा एक्शन नहीं हो सकता। अब इन सभी याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से आखिरी उम्मीद है। उन्हें लग रहा है कि उन सभी को न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी क्योंकि इस एक्शन के खिलाफ टिप्पणी कर चुका है, ऐसे में माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला आ सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।